मैं मेरे बहुत अजीज मित्र और देश के जाने माने वकील अभिवक्ता माजिद मेनन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया है। वैसे ही माजिद मेमन साहब मेरे साथी भी है, राज्यसभा के सांसद है और बड़ी मात्रा में अलग अलग कार्यक्रमों से समाज को बढ़ोतरी देने के लिए जुड़े रहते हैं। आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है मजरूह सुल्तानपुरी साहब की एक यादगार में। उन्होंने जो बड़ा योगदान हमारी देश की संस्कृति को आगे लाने के लिए किया है, उनकी कविता द्वारा, उनके काव्य द्वारा इन्होंने अपनी एक अदाकारी का एक हमें जो हमें पेश की है उसको सलाम करने के लिए, उन्होंने जो काम किया है, उनका जो योगदान है, उसके लिए उनको धन्यवाद देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं तो अभी बूढ़ा आदमी हूँ, जब नौजवान था, कॉलेज स्कूल में पढ़ता था, गाने सुनने के लिए समय भी ज़्यादा था और फिल्म, हिंदी फिल्म के द्वारा ही हमारी परवरिश हुई। मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा बनाए गए अनेक गीतों को हमने हमारे मन में छाके रखा है। कभी भी मजरूह सुल्तानपुरी साहब अभी संगीत अभी अपने लिरिक्स दे रहे हैं और साथ में उनके साथ संगीतकार नौशाद साहब होंगे, हमारे उपिनेर साहब होंगे, वो लोग उसमें साथ में उनका संगीत दे रहे, लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले जी उसको गा रहे हैं। ये एक अलग ही ज़माने के दिन थे। इन दिनों में जो गाने हमने सुने उसको अभी तक हम भूल नहीं पाते हैं। शायद उस गानों की वजह से आज भी ये महसूस होता है कि आज भी हम युवा हैं, बूढ़े नहीं हुए, क्योंकि वो गाने में की अदाकती ऐसी थी, संगीत में इस तरह की एक मजबूत ताकत थी कि उसको सुनने के बाद एक अलग ही दुनिया में जाने का मौका हमें मिलता था। तो आज के कार्यक्रम में आके मैं भी मजरूह सुल्तानपुरी साहब की यादगार में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आने के लिए मुझे भी बहुत उम्मीद थी, दुर्भाग्य से मुझे कहीं जाना पड़ रहा है इसके लिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन पहले तो आपसे मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन न आने से मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है इस कार्यक्रम द्वारा और कुछ अच्छे संगीत सुनने को मिलता था। उन्होंने जो अलग काव्य बनाए उसको भी आज शायद कोई आदमी से उसका पठन भी होने वाला था, लेकिन नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ख़ास करके माजिद मेमन साहब से भी मेरी उम्मीद है कि वो भी मुझे माफ़ करेंगे, नहीं आ सका इसके लिए, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि मजरूह साहब आने वाले दिनों में भी ऐसे आप और लोगों को भी उनको मोटिवेट करेंगे ताकि और अच्छे अदाकार हमें मिल पाएंगे। उन्होंने जो लिरिक्स दिए हैं वो सुनने के लिए हमें भी आने वाले दिनों में अच्छी तरीके से, शायद उनका अनपब्लिश लिटरेचर भी होगा, वो भी शायद पब्लिश किया जाएगा, तो हमें और कुछ आनंद लेने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।